बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जनाब जो रिएक्शन करने जा रहा हूँ, बड़ा दुखी, बड़ा अजीब किस्म का। अब हुआ ये है कि आपको पता ही है, पाकिस्तान मैच हार गया। बड़ी लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा यार, 137 रन सिर्फ बनाए। मेहनत बड़ी की है उन्होंने, मेहनत करने के साथ साथ फील्डिंग का पता नहीं क्या किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे वर्ल्ड कप हार गए। ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को पता ही है, बड़ी दुनिया ने लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे, बड़ी दुनिया ने टिकटॉक बनाई हुई थी, बड़ी दुनिया की दुआएं थी इस पूरी टीम के साथ। लेकिन पाकिस्तान जो है खेला बहुत अच्छा है, लेकिन मैच हार गया। तो इसी सिलसिले में एक रिएक्शन लेके आया हूँ आपके लिए। किसका है वो? डक्की भाई का। अब डक्की भाई भी बड़े दुखी हो गए, यकीन करें बड़ा दुख हो रहा है। पाकिस्तान से मैं अभी 2 दिन हुए आया हूँ, आज फाइनल मैच था। तो फाइनल मैच के चक्कर में जनाब ड्यूटी का पहला दिन भी था। चलो देखते हैं ये रिएक्शन, फिर आप बताइएगा। ठीक कंफर्म हार गए हैं ना, अब तो कंफर्म हार गए हैं। हेमलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। बहुत बड़ा दिन है भाई, आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप होने जा रहा है भाई। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल मैच। ओए 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 ओए, अभी तुम लोग देख सकते हो रात के 2 बजे में, यानी कि 2:43 AM। अभी से 11 घंटे बाद जो है पाकिस्तान का मैच शुरू हो जाएगा। मेरी हालत कुत्ते वाली हुई हुई है, ठीक है, नींद मुझे कुत्ते वाली आई हुई है। लेकिन आपका भाई सो नहीं रहा यार, मैं एक सीन भी मिस नहीं करना। एक बॉल मेरे से मिस हो गई ना, मैं कटी हो जाना अपने आप से। शाबाश बेटा। तो खैर एनीवेज, वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो बेल आइकन दबा के, सॉरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन, उल्टा बोल दिया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब जो है मैं ब्रेक जरा भी नहीं ले रहा। पिछले दिनों जो है ना, मैंने कहा दूसरी दुनिया भी देख लूं, थोड़ी फैमिली फूमली के साथ टाइम गुजार लूं, इसलिए मैंने कहा चलो कभी कभी व्लॉग डाल देता था, कभी नहीं डालता था। लेकिन अब से डक्की भाई इज बैक। चल झूठा, इंग्लैंड की पार के हाथ में देनी है। बाबर भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए, सुबह तक गेम देखनी है मैंने, आपकी जिता देना बस। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो अभी जो है ना आधी रात हुई है, मुझे जो है ना अपार्टमेंट जाना है। तुम लोगों को जैसा कि पता है पिछली वीडियोस के थ्रू कि मुझे बुखार हो गया है, जुकाम हो गया है, तबीयत मेरी डेड हो गई थी। मैं डॉक्टर से जो है ना कंसल्टेशन हो गया, मैंने जो है ना मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लिख के दी है, यानी मेडिसिन दे दो जितनी भी लिखी हुई है इसमें। तो उसकी जो मेडिसिन है ना वो मेरी अपार्टमेंट में रह गई है। तो अभी जो है ना पहले वो पिक कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अगर नींद ना आई तो ठीक है, नहीं तो सो जाएंगे सुबह उठ के, फिर मैच देखना है भाई। हाय, तो ये मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है, लेकिन अभी मैंने रात का कुछ नहीं खाया हुआ, तो मेडिसिन जो है ना खाने से पहले नहीं लेनी चाहिए, तो मैं वैसे मेडिसिन पकड़ लेता हूँ। चलो जी। Approximately 10 hours later। भाई मैच शुरू हो गया, ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट देखना शुरू किया है, ठीक है। ये बाकी मुनीब और बाबे शाबिर भी आ गए हैं अपना। तुमने शुरू से देखा मैच? हाँ। तो ना देखना, हार ही जा रहे, तू देख रहे तो इसलिए हार रहे वो। तुम लोगों को पता है मैं ज्यादा स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता मैच, तुम लोगों को पता है ना, वो फिर स्टार स्पोर्ट वाले जो है ना पकौड़ा दे देते हैं। भाई 53 चाहिए, 43 बॉल में पाकिस्तान हार जाएगा। टक्कर का मैच, अगर इज्जत से हारे तो फिर ठीक है, वरना तो ये टीवी नहीं बचना आज। ओए यार, आज से हारे। ओए आउट है, एम्पायर है इस कैमरे सारे। अच्छा, इतना इजी नहीं था मुझे पता, लेकिन भाग तो सकता है ना, गलत किया यार। मैं यहाँ से यहाँ बैठ के कैश पकड़ सकता हूँ, इतना आसान कैश था ये। निकल लो। बाबर बेचारे पे मुझे तरस आ रही, इसकी बड़ी गंदी होने वाली है ट्विटर पे। हार गए, मैं तुझे पहले भी कहा था हार जाएंगे आराम से। हार गए, कंफर्म हार गए है ना, अब तो कंफर्म हार गए। ये भी कैच मुश्किल था। अबे बहुत मुश्किल था भाई, क्रिकेटर है माइकल जॉर्डन का पुत्र थोड़ी है। हार गए हैं, अब कोई फायदा ही नहीं है भाई। चलो जी घर चलो चलो। एक एक स्कोर बनाना है उन्होंने, आराम से मैच जीत जाना है, सारा इसकी वजह से हुआ है। काश अभी बारिश हो जाए और मैच टाई हो जाए। बेचारे फ्लाइट करवा के आए थे, होटल करवा के आए थे, और ये गोरे सुअर खाने वाले देखो कितने खुश हैं। अच्छा, बाबर
फट के हाथ में आ गई उसकी। ओए 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 फट के हाथ में आई है उसके भाई। मजा आया यार। अब हार भी जाए तो खैर है, मजा आया। जाते जाते कम से कम जो मैं गालियां देने लगा था ना वो मैंने अपने अंदर वापस रख लिया। आउट हुआ कौन है? मौलवी हुआ है। मौलवी आउट हो गए। अबे यार इस तरह नहीं रोकते, इस तरह नहीं रोकते। तरीका होता है यार रोकने का यार। तुम रोक लेना जाके यार। इसका हाथ मार के ऐसे बॉल को ना ऐसे छुट्टा भी मारना होता है बाउंड्री के अंदर। भाई मैं शर्त लगा के गया था, लगानी है लाख लाख की शर्त। इंग्लैंड जीत जाएगा। चल 1 करोड़ की शर्त लगा ली, इंग्लैंड जीत जाएगा। 10 करोड़ की लगा ले और बता, इंग्लैंड जीत जाए। ये रेडी हो रहे हैं शराब की बोतलें जूते में डालने के लिए। अबे यार सारा तेरी वजह से हुआ है। तू तुझे किसने तुझे किसने सारा तेरी वजह से हुआ है। तुम भी मेरी वजह से हुए हो। क्या बढ़िया था गुरु। तो पाकिस्तान जो है हार चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अभी इनकी छोटी मोटी सेलिब्रेशन चलनी है। इन्होंने जो है ना शराबें डालनी है, जूतों में पीनी है। सुअर के बच्चे हैं, छोड़ दो इनको। बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे कोई ना कोई। नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेन करूंगा पाकिस्तान की टीम को। नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेन करूंगा, जीत जाएगा। तो यार पाकिस्तान हार गया। अच्छा भला वर्ल्ड कप में पहुंच गया है, लेकिन पकौड़ा लग गया भाई एंड पे आके। लेकिन खैर एनीवेज, जैसा कि तुम लोगों को मेरी पिछली वीडियो से पता है कि आपका भाई सिंगापुर जा रहा है, तो हमारा वीजा आ चुका है भाई। भाई बड़ा लेवल का वीजा आ चुका है। ओए होए हो, अभी घर वालों को जाना नहीं, जाके खुशखबरी देता हूँ मैं। तो अभी जो है 8 बजा हुआ है रात के 13 नवंबर, और हम लोग को 12 बजे एयरपोर्ट होना है। 3 बजे की फ्लाइट है हमारी। तो बैग में ले आया हूँ, ठीक है। अभी पैकिंग शैकिंग करके जो है ना इसके अंदर कपड़े लगते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि सिंगापुर में ठंड है या गर्मी है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे ठंडी होगी। फिर भी हम लोग जो है ना हुडी शुडी सब कुछ रख लेते हैं। एक कच्चा फेंक दो इसके अंदर और साथ एक शर्ट फेंक दो। चलो भाई पैकिंग हो गई भाई। टावल शावल रख लेते हैं, वैसे नहाना तो है नहीं, लेकिन फिर भी रख ही लेते हैं। ये जैकेट भी रख लेता हूँ, काम आएगी। ये शर्ट भी रख लेता हूँ, अच्छी लग रही है। चलो जी। तो पैकिंग शैकिंग वगैरह हो गई थी, मैं इधर किचन में आया हूँ। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे जो है नूडल शूडल बने हुए हैं भाई। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी जहाज में खाएंगे। चलो जी। मजा आया। तो लैपटॉप का सामान मेरा तकरीबन रेडी है, मैं देख लूँ क्या क्या अंदर। एक सेकंड, ठीक है। पावर बैंक भी पड़ा हुआ है, चार्जर शार्जर भी पड़े हुए हैं, ठीक है। सामान तो पूरा है भाई। ये जूते जो है हम लोगों को पहन के जाने हैं। अभी जो है ना मैं शावर ले लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। कोई कपड़े शपड़े पहन लेते अच्छे से। जाहिर है आपको भाई सिंगापुर लैंड होगा, इससे लुचल फंगर बन के तो नहीं ना हमने लैंड होना। पता लगे डक्की भाई आया है। अच्छा तो अभी शावर लेना है यार। कंफर्म हार गया है ना। कन्फर्म हार गया है ना। फर्म हार। तो यार रेडी शेडी हो गए हैं, ठीक है। अभी जो है मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम शाम है, और उसके बाद जो है हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तो वो कल तुम लोगों को मैं मिलूंगा, ठीक है। फ्लाइट बहुत लंबी है, यहाँ से पहले दुबई जाना है, फिर दुबई से सिंगापुर जाना है, और दुबई में भी हमारा स्टे है 3-4 घंटे का, लेकिन वो सिर्फ एयरपोर्ट में होगा स्टे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द डक्की भाई व्लॉग गैंग। कोशिश करूंगा सिंगापुर में शुगर लगाएं। ऐसे मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या शुगर मिलने वाली चीजें हैं। तुम लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो अगर तुम लोगों में से कोई सिंगापुर गया हुआ पहले। बाकी मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखना होगा। तो ये था जनाब आज का पाकिस्तान का मैच और डक्की भाई का व्लॉग। तो आप लोगों को ये रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स करके बताना है, ठीक है ना। बड़ा दुख हुआ है वैसे यार, सिर्फ 137 रन्स, इतने तो यार बच्चे भी बना लेते हैं। पता नहीं आप लोग, मुझे समझ नहीं आई। खैर दूसरा दिन था आज, पाकिस्तान से आए हुए मैच था, खुशी थी, बड़ा दिल कर रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और वर्ल्ड कप जो है ऐसे पकड़ के ले के आएंगे पाकिस्तान। लेकिन सारी की सारी जनाब की कराई पे वाटर फिर गया, कोई समझ नहीं आई। बहरहाल टीम अच्छी खेली है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये रिएक्शन आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट्स में, इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट और भी इस तरह के रिएक्शन लेके हाजिर होता रहेगा आपका भाई, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, हालत देख रहे हैं
मैच की वजह से ऐसा हो गया सारा, कोई समझ नहीं आई। चलें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।